कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद कई व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुके हैं। कई व्यापारी की हालत खराब हो चुकी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनसी कई व्यवसायों के बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेंट व्यवसायी से जुड़े, शादी ब्याह से जुड़े कुछ व्यवसायी जो कि आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं, जिसमें टेंट व्यवसायी भी है, बैंड व्यवसायी भी है, कैमरा पर्सन भी है, तो हमारे साथ हलवाई और केटरिंग वाले भी है। हम बात करेंगे सबसे पहले टेंट व्यवसाय से जुड़े योगेश जी से। योगेश जी, क्या करते हैं हम? टेंट हाउस का काम है। किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद आपका व्यवसाय पर फर्क पड़ा है? लॉकडाउन फरवरी से हमारा सीजन ख़त्म हो गया था, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया है, जब से पूरा व्यवसाय पूरा बंद हो चुका है और सभी मजदूर जो है सभी कोई काम नहीं है तो सब फ्री है। और अभी भी गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है 100 लोगों की दी है, तो 100 लोगों में कुछ काम हो नहीं पाता है, मजदूरी महंगी पड़ जाती है उसमें सभी को। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि 500 लोगों की परमिशन दी जाए, जिससे सभी का व्यवसाय ठीक ढंग से चल पाए और सभी को रोज़गार मिले। टेंट व्यवसाय का कहना है कि 500 व्यक्तियों की हमें छूट दी जाए जब व्यवसाय व्यापार सही होगा। हमारे साथ इस वक्त है मौजूद शाम में कैमरा फोटोग्राफर एसोसिएशन से जुड़े लोग। किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद में आपके व्यवसाय पर फर्क पड़ा है, क्या चाहते हैं? लॉकडाउन के बाद से हम सभी के जो भी शुभ विवाह से संबंधित लोग जो है उनके सभी के साथ में अभी ये जो कंडीशन है कि सारों की एक तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है और आगामी जो समय में चलते आ रहा है कि जैसे आने वाले समय में अभी सीजन का कोई महत्व अभी कोई बचा नहीं है, उस वजह से अभी फाइनेंशियल के लिए सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि जो बची हुई अभी लोगों की जो किस्त है, बीमा है और दुकान वगैरह के जो बिल्स वगैरह है, उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। फोटोग्राफरों का भी कहना है कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई दिक्कतें आई है। हमारे साथ बैंड व्यवसाय से जुड़े लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश भाल से। क्या करते हैं? बैंड का व्यवसाय है सर। किस प्रकार से फर्क पड़ा है व्यापार व्यवसाय? ये हमारी बैंड लाइन पर तो बहुत ही भयंकर असर पड़ा है सर। हमने क्या ब्याज से पैसा उठा करके हमारे कारीगरों के जो 15-16 आदमी चलते हैं उनको बांटे हुए हैं और काम बिल्कुल फरवरी से हमारे चालू होने थे, सब टोटल बंद हो चुके हैं। तो हमारे इस पर तो बहुत ही फर्क पड़ा है। सरकार से हमारा निवेदन है हमारा कुछ भी सहयोग करे। क्या चाहते हैं? हम सरकार से मदद चाहते हैं, या तो हमें कुछ इसका लाभ दे या फिर हमें कोई बैंक से लोन दे ताकि हम कर्ज दूसरों से लिया अदा कर सकें और हमारे कारीगरों को दे सकें। बैंड व्यवसायियों का भी स्पष्ट कहना है कि सरकार से मांग है कि हमें कुछ राहत दे, लोन दे, ताकि हम हमारा व्यापार व्यवसाय चला सके। हमारे साथ शादी ब्याहों में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाने वाले साउंड सिस्टम वाले भी हैं, जो कि साउंड से जुड़े व्यवसाय से किस प्रकार फ़र्क पड़ा है? हमारे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा है। मेरे साथ में जितने कार्य काम करने वाले थे सभी को अभी कुछ भी नहीं है, सबको हटा दिया गया है और आने वाले टाइम में हम लोगों का काम पूरी तरह से बंद है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें ऐसे 500 लोगों की वो दे कि जो बड़े बड़े आयोजन हो सके। हमारे टोटल अभी अधिक मास में भी भागवत है जो होती थी वो भी नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग करें। सरकार से लगातार व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ राहत दे, हमें मुआवजा दे और क्षतिपूर्ति दे। इस वक्त हमारे साथ साथ में एक और मौजूद है केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग। केटरिंग का भी एक शादी ब्याह में बहुत ही महत्व होता है, किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय पर फर्क पड़ा है? भैया, हमारा मार्च से पूरा लॉकडाउन लग गया है, काम पर बहुत फर्क पड़ा है। हमारी लेबर है जो बहुत मोहताज हो गई काम के प्रति और आज ऐसा चल रहा है कि हमें कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा है। दुकान का भाड़ा है, जैसे हमारा खाने पीने का है, सब तरफ से हम मजबूर हो गए। सब सरकार से यही निवेदन है कि हमको 500 आदमी की इजाज़त दे। लगातार शादी ब्याह से जुड़े जो भी व्यवसायी है हमारे साथ जुड़े हुए, सभी अपनी समस्याएं बता रहे और कहना है कि सरकार मदद करे। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हलवाई लोग भी। हलवाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? बन्ना हलवाई। किस प्रकार कोरोना काल में व्यापार व्यवसाय पे फर्क पड़ा है? मतलब बहुत फर्क पड़ा है। 100 आदमी के, 50 आदमी के, 500 आदमी के देवे तो फायदा नहीं, तो सब मजदूर घर पे, बर्तन घर पे, सब गोडाउन का किराया, मकान का किराया सब ऊपर ही पड़ रहा है, मजदूरों की मजदूरी ऊपर पड़ रही है। कितने लोग आपके साथ व्यवसाय से जुड़े हुए थे हलवाई के व्यवसाय? मेरे कम से कम 50 आदमी। क्या फर्क पड़ रहा है? वो घर पे बैठे, अब उसको देना ही पड़ा, कहाँ से ला के उस लोगों को।
क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार जो मदद हो करे, नहीं 500 आदमी का करे, 100 से ऊपर 500 आदमी। सभी का कहना है, टेंट व्यवसाय, कैमरा व्यवसाय से जुड़े हुए, साउंड व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि सरकार मदद करे, कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है और अब जो है कि बड़े आयोजनों की अनुमति दी जाए ताकि बड़े आयोजन होंगे तो सभी को कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा और फायदा होगा। लोकतंत्र न्यूज़ के लिए संदीप कुशवाहा।